आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया, जो आपको रखे आगे। नमस्ते, मैं पिंकी मेहता, समाज सेविका, और आज मैं यहाँ पे यशवंतराव चव्हाण मुक्तपीठ इसके प्रतिनिधि के तौर पे आप सबसे बात कर रही हूँ। मुलाकात करने का कारण यही है कि अपने मालेगांव शहर में जब हम देखते हैं तो मालेगांव में अपनी लोक संख्या है उसके हिसाब से अपने पास हुनर बहुत है। जहाँ पे मेरी बहनें महिलाएं जो है उनके पास शिवन काम करने की कला, एम्ब्रॉयडरी करने की कला, या हूबहूब जो आप उनको बताओ वो बना के देने की कला, इन सब में शामिल है। लेकिन वो कहीं तो एक कोने में बैठे हुए हैं अपने घर में कुछ अड़चनों के साथ, कहीं उनको सुविधाएं उपलब्ध नहीं है या कहीं उनको शिक्षण का अभाव है। तो हुनर बहुत है, मेहनत करने की इच्छा है और आगे तक पहुंचाने की ताकत भी रखते हैं। तो इस विद्यापीठ के माध्यम से हम लोगों की यही कोशिश है कि ये जो मेरी बहनें हैं वो आगे आए, ये शिवन काम भरत काम जो भी करती है इसका फॉर्म भरे, उनको इसमें जो भी सहूलियत चाहिए या जो भी मार्गदर्शन चाहिए या जो भी सुविधाएं चाहिए हो सके तो हम इनको उपलब्ध कराएं। नहीं, अगर उनका हुनर ऑलरेडी है तो 18 तारीख को हमारे यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ के कुलगुरु जो मालेगांव में आने वाले हैं उनके साथ उनकी एक मुलाकात करके, एक साझा करके उनकी क्या ज़रूरत है, या अगर हम आगे एक छोटी सी परीक्षा लेते हैं तो वो परीक्षा का स्वरूप क्या होगा और उस परीक्षा के स्वरूप से वो अपने हुनर को आगे लेके आएंगे। और हम 10वीं 12वीं अगर आपने पढ़ाई नहीं भी की है तो आप सीधा डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपके पास डिग्री का सर्टिफिकेट उपलब्ध हो जाएगा। ये डिग्री का सर्टिफिकेट बहुत महत्व रखता है आज के तारीख में कि आप एजुकेटेड हो, आपका आत्मविश्वास बढ़ा है, तो आप जब लोगों के सामने अपनी हुनर लेके जाते हो तो लोग उसका बकायदा जो कीमत चुकाना है आपके काम के बदले में, जो आपको मिलना चाहिए वैल्यू, एडेड वैल्यू, तो वो आपको डेफिनेटली मिलेंगी। इसलिए सभी बहनों से, सभी महिलाओं से गुजारिश है कि ये शिवन काम इसके माध्यम से आप आगे आए, ये फॉर्म्स को भरे, आपको डिटेल्स दी जाएगी, 2 से 5 के बीच में आके आपको ये फॉर्म्स भरने हैं। फॉर्म्स भरने के बाद एक मुलाकात होगी हमारे कुलगुरु के साथ और आगे का हम प्रोसीजर क्या रहेगा, आपकी परीक्षा कब होगी, उसका माध्यम क्या होगा और आपको सर्टिफिकेट कैसे दिया जाएगा, ये सब हम लोग 18 फरवरी को हमारे कुलगुरु के उपस्थिति में आपको बताया जाएगा। तो सभी बहनों से, सभी महिलाओं से निवेदन है, आह्वान करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे आए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये फॉर्म भरे। ये बिल्कुल ही निशुल्क है, आपको एक भी रुपया यहाँ पे खर्चा नहीं करना है। तो आप अपने हुनर को एनकैश कीजिए, आप अपने हुनर को आगे बढ़ाइए और आप अपने आप को देश और विदेश में बहुत दूर तक लेके जाइए। यही प्रार्थना, यही निवेदन, धन्यवाद। जैसा कि मेरे साथियों ने और अतीक सर ने जैसा बताया है कि जो फीटर हजरात जो है अपने गांव में ऐसा है कि फीटर जो है तो अपने मतलब कहीं पे जब एजुकेशन नहीं कंप्लीट करते हैं तो घर वाले परेशान होकर उन लोगों को जो है तो गैरेज पे डाल देते हैं। अब गैरेज पे डालने के बाद में बच्चे यही इंग्लिश और मराठी से डर के कि मतलब हम लोगों को तो पढ़ना आता नहीं है तो लोग कोई एजुकेशन कम्प्लीट करते नहीं है, अभी गैरेज में जो है तो अपना वक्त देते ही जाते हैं। और लेकिन आगे उसका रिज़ल्ट यह है कि अगर जब वो पढ़ाई कर रहे एजुकेशन करने परेशानी से गैरेज में जाते हैं, गैरेज में कंप्लीट काम करने के बाद जब हुनर कंप्लीट हो जाते हैं तो ये आगे के इनका फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि हम लोग आगे क्या करना चाहिए। तो आगे हम लोगों ने ये लाया है कि जब ये कंप्लीट करने के बाद में आगे ये लोग जब कॉलेज में या सॉरी कोई कंपनी में लोग अगर जॉब का अप्लाई करना है तो ये सर्टिफिकेट के ज़रिए ये अप्लाई कर सकते हैं और बआसानी ये कोर्सेज जो है तो बहुत आसानी से इन लोगों को और बहुत शॉर्ट में इन लोगों से एग्ज़ाम या ओरल में जैसे कोई फीटर आया है इसको बताएं कि हाँ ये इस तरह से फीट होता है, ये इस तरह से होगा, तो इस तरीके से इन लोगों का ओरल एग्ज़ाम लिया जाएगा या फिर ऑन पेपर भी लिया जाएगा।